नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, नाड़ी संस्थान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है 15 से 16 वर्ष के किशोरों का जो सिर होता है लगभग बड़ों की वयस्कों की तरह हो जाता है, जबकि जन्म के समय सिर जो होता है वह शरीर की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। संपूर्ण शरीर भार की अपेक्षा मस्तिष्क का जो भार होता है वह 1/8 भाग होता है, जो कि 10 वर्ष की अवस्था तक 1/18 तथा 15 वर्ष की अवस्था तक 1/23 तथा किशोरावस्था के लास्ट तक 1/40 हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक मस्तिष्क के भार में केवल 5% तक की वृद्धि और उसका विकास होता है। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसके मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, पाचन अंगों में विकास, डेवलपमेंट इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन। हम देखते हैं कि पूर्व किशोरावस्था में जो पाचन अंगों में जो होता है विकास वह काफ़ी तेज़ी से होता है, परंतु बाद में उत्तर किशोरावस्था के अंत तक यह विकास जो होता है इसकी गति धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। आंतों की गोलाई और उनकी लंबाई जो होती है बढ़ जाती है, आमाशय भी बड़ा हो जाता है और इसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। तो किशोर वय की बालिकाएं अपने आप को चुस्त दिखने के लिए कम खाना खाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका आमाशय जो होता है वह बड़ा होने के बावजूद भी उनको भूख जो होती है वह कम ही लगती है। नेक्स्ट है हमारा फेफड़ों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स। किशोरावस्था में फेफड़ों के आकार उनके भार दोनों में ही वृद्धि होती है। फेफड़ों के आकार में वृद्धि होने से किशोर की जो श्वसन क्रिया होती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, अब वह वयस्कों की तरह सांस लेते ही लगते हैं। लड़कियों में फेफड़ों का विकास लड़कों की अपेक्षा थोड़ा पहले से ज़्यादा होता है, थोड़ा होता है क्योंकि लड़कियों के सीने की हड्डियाँ जल्दी विकसित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किशोरावस्था में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके विकसित होने से यौन हार्मोन और अन्य हार्मोन जो होते हैं उनका स्रावण होने लगता है। यौन हार्मोन के कारण ही लड़कियों में स्त्रीत्व तथा लड़कों में पुरुषत्व के लक्षण जो होते हैं वे दिखाई देने लगते हैं। तो ये तो होता है किशोरावस्था में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉयज़ तथा गर्ल्स में।